बिसमीम् असलकुम दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सोल्व करेंगे क्वेश्चन हमारे पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और टेकन फ्राम रिकॉर्ड्स ऑफ अल्फाता कंपनी लिमिटेड जिसमें हमें सबसे पहला दिया गया है मटीरियल इन्वेट्री इनक्रीज बाय रुपीज़ सेवनटीन थाउजेंड ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी इंक्रीज बाय का जिक्र आएगा तो इट मीन्स डैट कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है ठीक है रिमेनिंग इन्वेंट्रीज वर एस फॉलोस इन्वेंट्रीज हमें गिवन है मटीरियल इन प्रोसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग जनवरी फर्स्ट का ओपनिंग एंड दिसंबर थर्टी फर्स्ट का क्लोजिंग देन लेबर इन प्रोसेस एफ ओ एच इन प्रोसेस प्रीवियस क्वेश्चन में हमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग डायरेक्टली बताया जाता लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मटेरियल का प्रो वर्क इन प्रोसेस जो है वो अलीहदा बताया गया है लेबर का अलीहदा बताया गया है एंड एफ वेज का अलीहदा बताया गया है इसके साथ हमें दी गई हैं फिनिश गुड्स ओपनिंग में हमें दिए गए हैं ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड जिसके फोर्टी यूनिट्स हैं एंड दिसंबर थर्टी फर्स्ट क्लोजिंग में हमें कॉस्ट नहीं बताई गई डायरेक्टली यूनिट्स बताए गए हैं ट्वेंटी फ़ाइव इसके बाद फर्दर हमें बताया गया है परचेजेज़ ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज़ नाइन्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड परचेज़ रिटर्न रुपीज़ सिक्स थाउजेंड एंड फ्रेड ऑन परचेज़ रुपीज़ थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड परचेजेज हमें दी गई हैं इसमें फ्रेड ऑन परचेजेज़ एड हो जाएगा और परचेजेज़ रिटर्न माइनस हो जाएंगी ताकि हमारे पास मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज़ की एक्चुअल कॉस्ट आ जाए इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ वन फोर्टी परसेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का हमने वन हंड्रेड एंड फोर्टी परसेंट लेना है तो हमारे पास एफ ओ एच अप्लाइड कॉस्ट आ जाएगी देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज वाज थर्टी फाइव परसेंट ऑफ करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज आएगी वो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की थर्टी फाइव परसेंट होगी ठीक है अगर हमारे पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हो उसका हम थर्टी फाइव परसेंट लेंगे तो हमारे पास कास्ट ऑफ मटेरियल यूज आ जाएगी ठीक है और अगर हमारे पास कास्ट ऑफ मटेरियल यूज गिवन हो तो उससे हम करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को फाइंड आउट करेंगे इसके साथ नंबर ऑफ फिनिश यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वॉज सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव क्लोजिंग यूनिट्स जो सेल आउट किए हैं वो हमारे पास सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव हैं एट द एंड ऑफ द ईयर एक्चुअल फैक्ट्री एवरेज कॉस्ट टोटल रुपीज़ एटी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव एक्चुअल एफ ओ एच कास्ट भी हमें गिवन है ठीक है यहाँ पर आप देखिए अप्लाइड एफ ओ एच कास्ट का भी जिक्र है और एक्चुअल एफ ओ एच कास्ट का भी जिक्र है तो अगर जब दोनों क्वेश्चन में गिवन होंगी तो हमने अप्लाइड एफ ओ एच कास्ट को पिक करना है इसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स मैनुफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर्ड स्टेटमेंट कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट मैनुफैक्चरिंग ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एंड कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट मैनुफैक्चर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हमारे पास यहाँ पर ये सारी रिक्वायरमेंट है जिनमें हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को बनाएंगे तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी चलते हैं फॉर्मेट की तरफ फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है आपने भी सेम फॉर्मेट बना लेना है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने इस फॉर्मेट में जितनी भी इंट्रीज होंगी आपने इन इंट्रीज को यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना है इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं परचेजेस को परचेजेस हमें दे यहाँ पर दी गई हैं नाइन्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड इसमें मैंने आपको बताया कि फ्रेट ऑन परचेजेस ऐड हो जाता है

क्लोजिंग मटेरियल हमें गिवन है सेवनटीन थाउजेंड रुपीज इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग मटेरियल गिवन नहीं है तो उसको हमने फाइंड आउट नहीं करना डायरेक्टली हमने परचेजेस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है नाइनटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड में सेवनटीन थाउजेंड माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा सेवनटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो होगी हमारी कॉस्ट ऑफ मटीरियल यूज क्लियर अब इसके बाद हमने इसमें ऐड करना होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने फ़िलहाल इसको स्किप करना है और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते जाते हैं जब डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है प्राइम कॉस्ट ठीक है हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आएगी तो इसको भी फिलहाल स्किप करते हैं इसके बाद हमें यहाँ पर दी गई है एफ ओ एच कॉस्ट

कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज आ जाएगी ठीक है तो इसकी बेस पर हम करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर हम करेंगे वर्किंग नोट्स वर्किंग वन होगी हमारे पास मैनुफेक्चर करंट मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट इसका हमने यहाँ पर ले लेना है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज का सेवेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थर्टी फाइव सॉरी हंड्रेड डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा टू लेख टेन थाउजेंड रुपीज़ इसका लॉजिक मैं आपको समझा दूं कि कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज जो हमारे पास है उसने हमें बताया कि वो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का थर्टी फाइव परसेंट है तो जब हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ से करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे तो ऐसी सूरत में हमने परसेंटेज की जो अमाउंट होती है परसेंटेज की जो फिगर होता है हमारे पास वो यहाँ पर हम नीचे रिकॉर्ड कर देते हैं और हंड्रेड को हम ऊपर ले जाते हैं जैसे हमारे पास अब आंसर आया टू लेख टेन थाउजेंड अगर हम टू लेख टेन थाउजेंड रुपीज़ का थर्टी फाइव परसेंट ले लें तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा सेवेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्लियर तो इस बेस पर हमने क्या फाइंड किया करंट मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट को जो हमारे पास आई टू लेख टेन थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को टू लेख टेन थाउजेंड रुपीज इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में आप देखें मटेरियल हमें गिवन है एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी लेबर हमें गिवन है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी एंड एफ एच हमें गिवन है एट थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी इन तीनों को हमने ऐड कर देना है हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी ये दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा टू लैख थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी इसके बाद हम इसमें से ऐड कर माइनस करते हैं वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग आप देखें यहाँ पर दिसंबर थर्टी फर्स्ट मटीरियल लेबर एंड एफ इन तीनों को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे इन तीनों को ऐड करने से हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आएगी ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू लेख थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी में से ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा टू लेख एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी जो होगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्लियर अब इसमें हम ऐड करते हैं फिनिश गुड्स ओपनिंग फिनिश गुड्स ओपनिंग हमें क्वेश्चन में दी गई है ट्वेल्व थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड दोनों ऐड हो जाएंगी हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा टू लेख ट्वेंटी वन थाउजेंड एंड फिफ्टी इसमें से फिनिश क्लोजिंग गुड्स को हमने माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को और एफ ओ एच कॉस्ट को उसके बाद हम फिनिश क्लोजिंग गुड्स को माइनस फाइंड आउट करेंगे देन माइनस कर देंगे यहाँ पर हमारी होगी वर्किंग टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हमने फाइंड आउट करना है करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बेस पर ठीक है जैसे हम यहां पर लिख देते हैं लेबर कॉस्ट जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहां पर लिखेंगे करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एफ ओ एच कॉस्ट इन तीनों कास्ट को हम ऐड करते हैं तो तब जाके हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट आती है करंट मैन्युफैक्चरिंग ठीक है तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं टू लेख टेन थाउजेंड रुपीज डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की जो कॉस्ट है वो हमारे पास यहाँ पर है 73, तो 73, को हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख देना है ठीक है प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास नहीं है तो इसको हमने यहाँ पर लिख देना है एक्स जो हमने फाइंड आउट करना है एफ ओ एच कॉस्ट भी हमारे पास नहीं है एफ ओ एच कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है जो है वन हंड्रेड एंड फोर्टी परसेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो यहाँ पर हमने कर देना है डिवाइडेड और यहां पर कर देंगे x क्योंकि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम कर रहे हैं तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास यहां पर x इसलिए कॉस्ट के साथ भी यहां पर x आ जाएगा ठीक है अब इसके बाद हमने क्या करना है यहां पर x के को पे कर देना है तो टू लेख टेन थाउजेंड पर प्लस है तो इक्वल केस आके माइनस हो जाएगा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड और यहां पर हमारे पास एक्स 140 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1.4x क्लियर अब टू लेख टेन थाउजेंड में से सेवेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा वन लेख थर्टी सिक्स थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड और एक्स प्लस वन पॉइंट फोर एक्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक्स के साथ वन है इसलिए वन प्लस वन पॉइंट फोर माइनस हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा टू पॉइंट फोर एक्स यहाँ तक क्लियर अब इसके बाद एक्स की अमाउंट को हमने अलीहदा कर देना है तो करेंगे क्या टू पॉइंट फोर को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे वन लेख थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू पॉइंट फोर एक्स के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फोर और इक्वल की तरफ एक्स रह जाएगा वन लेख थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फोर हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव जो होगा हमारा एक्स क्या था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्लियर अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को लिख देना ही है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव अब कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटीरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हमने ऐड कर देना है हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा प्राइम कॉस्ट जो होगा वन लेख थर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव अब हमने क्या फाइंड आउट करना है एफ ओ एच कॉस्ट एफ ओ एच कॉस्ट हमारे पास कितनी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की वन हंड्रेड एंड फोर्टी परसेंट तो यहां पर हमारे पास होगी वर्किंग थ्री एफ ओ एच एप्लाइड कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय वन हंड्रेड एंड फोर्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड क्लियर हमारे पास यहाँ पर एफ ओ एच कॉस्ट आएगी सेवेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव तो हमारे पास यहाँ पर प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है वन लैख थर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव इसमें एफ ओ एच कॉस्ट को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू लैख टेन थाउजेंड यहां पर हमारा सारा क्वेश्चन ठीक हो गया अब हमने यहां पर फाइंड आउट करना है फिनिश गुड्स क्लोजिंग को फिनिश गुड्स क्लोजिंग को फाइंड आउट करने के लिए अब यहां पर एक दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे वर्किंग फॉर फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग का हमारे पास यहां पर फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट यूनिट्स हमें यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें गिवन है क्लोजिंग यूनिट्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को हमने यहां पर लिख देना है मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई तो पर यूनिट कॉस्ट को हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे वर्किंग फाइव पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट की है यहाँ पर है टू लेख एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी यहां पर लिख देंगे टू लेख like 8650 डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हमें गेमा नहीं है तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड भी हमने फाइंड आउट करने हैं इसके लिए हम यहां पर वर्किंग करेंगे सेक्स यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड का हमारे पास फार्मूला होता है यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स यूनिट सोल्ड हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग यूनिट्स हमें दिए गए हैं ट्वेंटी फाइव और ओपनिंग यूनिट्स हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं फोर्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग यूनिट्स फोर्टी क्लोजिंग यूनिट्स ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव और इसमें से हम माइनस कर देंगे फोर्टी को हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स मैनुफैक्चर्ड आएंगे सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी इसके बाद आप इन यूनिट्स को यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी टू लेख एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी डिवाइडेड बाय सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर पर यूनिट कॉस्ट आएगी थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना है पर यूनिट कॉस्ट में ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ये हमारी क्या होगी फिनिश गुड्स क्लोजिंग कॉस्ट यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे फिनिश गुड्स क्लोजिंग को एट थाउजेंड टू एट थाउजेंड ट्वेंटी फाइव कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से फिनिश गुड्स क्लोजिंग को माइनस करेंगे हमारे पास यहां पर आंसर आएगा टू लेख थर्टीन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव रुपीजियो हो क्या हो गया हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब देखिए हमें क्वेश्चन में टू कॉस्ट के बने एक है हमारे पास एक्चुअल एफ ओ एच कास्ट और दूसरी हमारे पास अप्लाइड एफ ओ एच कॉस्ट अप्लाइड एफ ओ एच कॉस्ट हमने फाइंड आउट की सेवन लैख नाइन थाउजें सेवन सॉरी सेवेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव और यहाँ पर एक्चुअल एफ ओ एच कॉस्ट है हमारे पास एटी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव दोनों कॉस्ट हमें गिवन होंगी तो इनका हमने डिफरेंस ले लेना है अगर अप्लाइड एफ ओ एच कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हमने क्या कर देना है डिफरेंस माइनस कर देना है और अगर एक्चुअल एफ़ ओ एच कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हमने क्या कर देना है डिफरेंस प्लस कर देना है तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास अप्लाइड एफ़ ओ एच कॉस्ट है सेवेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव और एक्चुअल हमारे पास 80,475 इट मीन्स दैट कि एक्चुअल एफ़ ओ एच कॉस्ट गिवन है और सॉरी एक्चुअल एफ़ ओ एच कास्ट ज़्यादा है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर इसका डिफरेंस आएगा एट हंड्रेड एंड फिफ्टी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड होगा हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा टू लेख थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कंप्लीट हो गई उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ अल्लाह हाफिज़